सोने पर ढाई पुस्ते पर गणेश चतुर्थी मेला हुआ चीन। एसडीएम करामलाना संजय सोंदी ने लगाई मेले में सील। बिना किसी के परमिशन से लगाया जा रहा था मेला। सांसद मनोज तिवारी का फोटो लगाकर किया जा रहा था मेले का प्रचार प्रसार। जबकि सांसद मनोज तिवारी को इसकी भनक तक नहीं कि मेला कब और कहां लगाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं, ये सोनिया बिहार का ढाई पुस्ता है, जहां पर ढाई पुस्ते में देखा जा रहा है कि एक हफ्ते लगातार मेले की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। जबकि यहां देखा जा रहा है कि ये सभी तरह के जो प्रबंध किए गए हैं मेला के, ये विदाउट परमिशन है, यहाँ किसी तरह की कोई भी परमिशन नहीं मिली है। एसडीएम करावल नगर संजय सोंदी जी को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो अपने स्टाफ के साथ यहाँ आते हैं, और जब उनको पता लगता है कि ये विदाउट परमिशन सब कुछ चल रहा है तो यहाँ आकर देख सकते हैं कि आप ये सील लगा दी गई है, इस मेले में सील लगा दी गई है। और सील लगा के ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक एसडीएम दोबारा से डीसील नहीं करेंगे तब तक ये मेला चालू नहीं हो सकता, और उसके लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। जबकि ये विदाउट परमिशन अब तक सब चल रहा था, और किस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम चल जाते हैं, जो रोड के बिल्कुल किनारे हैं, बड़े बड़े झूले लग जाते हैं और बड़े बड़े ग्राउंड बन जाते हैं और परमिशन नहीं होती है, और यहाँ की दिल्ली पुलिस को खबर तक नहीं होती है। जबकि दिल्ली पुलिस रोज़ यहाँ गश्त करती है, ये बगल में पार्क है जहाँ बहुत सारी भीड़ जमा होती है, लोग आते जाते रहते हैं, मेले का पूरा प्रबंध चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है। किस क्या कारण रहता है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस मूक बनकर दर्शक बनी रहती है और आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन हालांकि फिलहाल एसडीएम करावल नगर संजय सोंदी ने मेले के गेट पर सील लगा दी गई है, और सील लगाने के बाद साफ निर्देश जारी कर दिए गए। पहले ये ग्राउंड था, ग्राउंड में लोग भरे हुए थे, जब एसडीएम करावल नगर आए हुए थे तो उसमें उनके स्टाफ द्वारा मशक्कत करके बड़ा मुश्किल से ग्राउंड खाली कराया गया है, जबकि बताया जा रहा है लाइट बंद करके और 7 से 9 मेला को जारी रखा जा रहा था। 7 से 9 मेले में भीड़ रहती थी, जबकि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उस दौरान लगातार मेले की इस तरह की कवायद और मेला लगाना मुझे लगता है कि कितना सही है। सरकार, दिल्ली सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या जानकारी मिली थी और किस तरह से ये आज अभी सील किया गया है? देखिए, विभिन्न संचार माध्यमों से, जिसमें कि आपका भी चैनल शामिल है, उसके जरिए मैंने आम लोगों से यह विनम्र निवेदन किया था कि ये गणेश विसर्जन का कार्य अब की बार यमुना नदी में किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाए। ये NGT के आदेशानुसार है और इस आदेश का पूरी कठोरता से हम लोग पालन करेंगे, और इसी तारतम्य में हमने इस ज़िले में, उत्तर पूर्वी दिल्ली ज़िले में, 4 कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया था, लोगों को इसकी सुविधा मतलब प्रदान की थी। पिछले सोमवार को मुझे ये जानकारी मतलब मिली थी, यहाँ पर कुछ मेले का आयोजन करने का सब कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो मैंने इसके ऊपर तुरंत ही रोक लगाई थी, लिखित में एक रोक लगाई थी और इसको अपील फर्दर ऑर्डर अगले आदेश तक रोक लगाई थी, क्योंकि अगर ये दो और ढाई पुस्ते के बीच में अगर ये मेला चलता रहा तो लोगों को यमुना बैंक तक जाने, यमुना तट तक जाने तक से हम लोग रोक नहीं पाएंगे, जिससे कि जो गणेश विसर्जन का जो कार्य है, जो कि यमुना में नहीं होने देना जो हमारा उद्देश्य है, उसमें हम लोग पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे कुछ अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर चोरी छुपे ये सारा कार्य यानी कि हो रहा है, तो आज मैं फील्ड पर निकला था, वीर सावरकर का जो कृत्रिम तालाब था मैंने वो भी चेक किया, उसको तो मैं रोज ही चेक कर लाइट देखा। उसके पश्चात जो मैं इधर सोनिया विहार की तरफ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यानी कि भीड़ है, और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये बताने को तैयार मतलब यानी कि नहीं हुआ कि आखिर ये किसके अनुमति से इन लोग ये मतलब काम कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अवैधानिक था, और यानी कि SHO सोनिया विहार ने भी इस संबंध में अपनी पूरी अनभिज्ञता यानी जाहिर की। तो उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि ये सारे के सारे लोगों को हम बाहर निकाल देंगे, सारी दुकानें हमने आज बंद करा दी हैं, इसको सील लगा दिया है,
और जो मेरा सोमवार का जो आदेश था वही लागू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर। टिल फर्दर ऑर्डर का मतलब ये है कि कम से कम अनंत चतुर्दशी तक ये मेला चालू नहीं हो सकता। अच्छा, इससे लोकल थाना सोनिया विहार SHO से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, जबकि विगत ये लगभग एक हफ्ते से लगातार तो चालू है? हाँ, उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने सारी दुकानें बंद करा डाली हैं, दो तीन दिन से ये मतलब मेला बंद है, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया। मैंने बताया आप यहाँ करके अभी देख लो, सारी दुकानें चालू हैं यहाँ। तो अभी जो सील लगाई है वो सील कब तक वैलिड है, ये कब तक रहेगी? अनंत चतुर्दशी जो कि हमारा जो गणपति विसर्जन का जो अंतिम दिन रहता है उसके बाद इन लोग चाहे तो अपना मेला चालू कर सकते हैं, लेकिन फिर से दुर्गा विसर्जन के समय इनको फिर से इनको रोकना पड़ेगा। जिस तरह से जो कोविड का दौरान भी है, लगातार कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं, इसको लेके मेला चलाना और विदाउट परमिशन, कोई परमिशन आपने देखी उनकी, कोई है परमिशन? कोई परमिशन इनके पास में नहीं है और ये मतलब बिल्कुल ही अवैध रूप से इन मतलब चलाया नहीं जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो है DM एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। चतुर्दशी के बाद क्या ये सील आप खोलेंगे या मतलब इनको प्रोसेस कराना पड़ेगा, किस तरह? इनको प्रोसेस कराना पड़ेगा, इनको आवेदन दे करके सारा कार्य करना पड़ेगा, ये अपने आप ही नहीं खुलेंगे। अभी तक कोई परमिशन नहीं इनकी? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं फिर से मैं ये बता दूं कि अगर ये इसी प्रकार की जो कठोरतम कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी और लोग इस प्रकार का जो शासन के जो निर्देश हैं उसकी मतलब धज्जियाँ उड़ाने का कार्य ना करें, उनको अपने हाथों में निकाल लें, नहीं तो बहुत ही सख्ती से उससे नहीं हमें मतलब निपटना होगा। धन्यवाद। आपको बताते चले कि जिस तरह से ये मेला जो लगा है, मेले की कोई परमिशन नहीं, हालांकि लेकिन एक देखने बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ आई है जिसमें देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी जी के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और फोटो लगाकर और एक ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पर्चा बनाया गया था जिसपे मनोज तिवारी जी की फोटो लगी है और मनोज इसमें लिखा हुआ गणेश चतुर्थी मेला और एक तरफ सांसद मनोज तिवारी द्वारा संचालित किया जा रहा है गणेश जी मेला पुस्ता डाल पुस्ता, ये सारा ये पूरा इनका देख रहे हैं कि इस पर्चे के द्वारा प्रचार किया जा रहा था जिसमें मनोज तिवारी जी की फोटो है। लोग इसको मान रहे होंगे कि मनोज तिवारी जी की परमिशन से ये मेला लग रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ उनको पता भी नहीं है कि ये मेला कैसे लगाया जा रहा है, उनको जब जानकारी मिली तभी ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।